आज की डेट में 100 रुपए में क्या मिलता है? बहुत कुछ मिलता है। Amazon और Flipkart से सर्च करके हमने 15 प्रोडक्ट्स आपके लिए मंगाए हुए हैं, जिन्हें आप खरीद सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए में। कौन से हैं वह प्रोडक्ट, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक हमारी इस वीडियो को जरूर देखें। मेरा नाम है शुभम अग्रवाल और आप देख रहे हैं साइबर बाबा यूट्यूब चैनल। शुरुआत करेंगे यहाँ पर हम अपने सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट की, जो कि आता है ईयरफोन पाउच। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको यह ईयरफोन पाउच देखने मिलता है। अब इस ईयरफोन पाउच के अंदर अगर आप चाहें कॉइन्स को आप कैरी कर सकती हैं, अगर आप अपने ईयरफोन को रखना चाहते हैं, या फिर बाकी कोई भी छोटा आइटम हो जैसे कि पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, या आप अपनी USB केबल्स को रखना चाहते हैं तो आप इस पाउच में रख सकते हैं। बढ़ेंगे हम अपने दूसरे प्रोडक्ट की तरफ। कई बार होता क्या है कि हमारे कंप्यूटर या फिर लैपटॉप का ऑडियो डिवाइस ख़राब हो जाता है, या फिर अगर आप माइक्रोफोन लगाते हैं अपने लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप से तो वह कनेक्ट नहीं होता। इस कंडीशन पर आप परचेज कर सकते हैं इस साउंड अडाप्टर को, जो कि 7.1 अडाप्टर है, जहां पर आपको 2 बटन्स देखने मिल जाती हैं और यह USB है, तो डायरेक्टली आप इसे अपने लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में इंसर्ट कर सकती हैं। और यहां पर फिर आपको मिल जाते हैं सेपरेट पोर्ट, आपको ऑडियो के लिए एक सेपरेट पोर्ट मिलेगा और एक आपको माइक्रोफोन के लिए सेपरेट पोर्ट मिलेगा। बहुत सारे कंडेंसर माइक हैं जो आज की डेट में बिना साउंड कार्ड के नहीं चलते, तो इस कंडीशन पर आप इस साउंड कार्ड को परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट आता है वह आता है यह वायरलेस डोंगल। देखिए, आपके पास कोई भी ऐसी डिवाइस है जिसमें ब्लूटूथ नहीं है, अब चाहे वह आपकी कार का म्यूजिक प्लेयर हो, या फिर आपके घर का होम थिएटर हो, या फिर कोई भी साउंड बॉक्स हो, तो इस छोटी सी डिवाइस को लगाकर आप उसे ब्लूटूथ डिवाइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट आता है उसे हमने इस छोटी सी डिब्बी में रखा हुआ है, क्योंकि ये बहुत छोटे प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट की, जो कि आता है USB 2 Type-C। देखिए, आपके सिस्टम में USB पोर्ट होता है, बट बहुत सारे ईयरफोन्स या अगर हम चार्जर्स की बात करें या डिवाइसेस की बात करें तो वह अब आते हैं Type-C केबल के साथ। तो इस छोटी सी डिवाइस को यूज करके आप अपने लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में Type-C पोर्ट भी बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इस अडाप्टर की, तो यह है हमारा Type-C to USB अडाप्टर। अब इसकी रिक्वायरमेंट आपको पड़ सकती है अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन में USB को इंसर्ट करना चाहते हैं, या अगर आपके पास लैपटॉप है जिसमें Type-C पोर्ट है और वहां पर आप कोई USB अटैच करना चाहते हैं, तो फिर इस कंडीशन पर आपको इस अडाप्टर को परचेज करना होगा। अब यहां पर आप देखेंगे कुछ हमारे पास लाइटिंग अडाप्टर्स भी हैं, तो यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं और अगर आपके पास आईफोन है तो आप इन्हें ज़रूर रखें। यहाँ पर आप देखेंगे जो पहला अडाप्टर है हमारे पास वह है Type-C to Lightning, दूसरा यहाँ पर हमारे पास जो अडाप्टर है वह है VA to Type-C, और तीसरा यहाँ पर हमारे पास जो अडाप्टर है वह है VA to Lightning। ये बहुत ही बेहतरीन अडाप्टर्स हैं और इमरजेंसी में आपको बहुत ही ज़्यादा यूज होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम कुछ और अडाप्टर्स देख लेते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास है HDMI मेल तो HDMI फीमेल अडाप्टर। देखिए, आज की डेट में बहुत सारी जो स्मार्ट TV हैं वहाँ पर HDMI पोर्ट तो मिलता है, बट क्या होता है कि TV के पीछे इतना स्पेस नहीं होता जहाँ पर आप केबल को इंसर्ट कर सकें, तो यहाँ पर आपको मिल रहा है L शेप में HDMI टू फीमेल HDMI अडाप्टर। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो अडाप्टर आता है वह आता है Micro HDMI to HDMI। देखिए, अगर आप एक DSLR को कैरी करते हैं वहाँ पर आप देखेंगे आउटपुट पोर्ट में आपको Micro HDMI का स्लॉट देखने मिलता है, तो अगर आप Micro HDMI से HDMI में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस कंडीशन पर फिर आपको उस अडाप्टर की नीड होगी। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वह आता है स्प्लिटर। अगर आप लेटेस्ट आईफोन को चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक नहीं मिलता, बट अगर आप अपने आईफोन में 3.5 mm जैक को यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आपको परचेज करना होगा Lightning to 3.5 mm फीमेल अडाप्टर। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वह आता है ये कैडी बे। अब बहुत सारे यूजर्स के लिए यह प्रोडक्ट कोई काम का नहीं है, बट अगर आप अपने डेस्कटॉप में SSD को इंसर्ट करना चाहते हैं तो फिर इस कंडीशन पर आपको इस प्रोडक्ट को परचेज करना होगा। यहाँ पर आप SSD को इंसर्ट करते हैं और फिर इसे आप कैबिनेट में लगा सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने प्रोडक्ट की तरफ, तो नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट आता है वह आता है यह मेटल मोबाइल स्टैंड, जहाँ पर आप अपने मोबाइल फ़ोन को रख सकते हैं, iPad को रख सकते हैं और टैबलेट को रख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हैवी क्वालिटी में है और मल्टीपल कलर्स में अवेलेबल है, ब्लैक, वाइट, रेड एंड ब्लू, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार इसे परचेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वह आता है यह 3-in-1 केबल। आज की डेट में क्या है, बहुत सारी हमारे पास डिवाइसेज हैं
टाइप सी, लाइटनिंग, V8, मल्टीपल यहाँ पर हमारे पास डिवाइसेज हैं, तो आपको एक साथ बहुत सारी केबल्स को कैरी करना होता है। बट अगर आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप इस 3-in-1 केबल को परचेज कर सकते हैं, जहाँ पर आपको मिल जाता है माइक्रो USB पोर्ट, आपको मिल जाता है टाइप सी पोर्ट, आपको मिल जाता है लाइटनिंग पोर्ट। तो मल्टीपल केबल्स को ना रखकर आप इस केबल को भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट आया है यह है एक USB फैन। हालांकि बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड प्रोडक्ट है, बट आज की डेट में भी ये सेल हो रहा है। यहाँ पर आपको एक USB पोर्ट मिल जाता है, जिसे आप पावर बैंक या लैपटॉप या मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक सेंसर मिल जाता है, जिसे आप टच करेंगे तो यह फैन ऑन हो जाता है। हालांकि यहाँ पर हवा मिलती है या नहीं मिलती है इसकी तो हमें भी जानकारी नहीं है, बट एक बेहतरीन गैजेट है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट आया है यह आया है एक मिनी ट्राइपॉड। हालांकि यह जो ट्राइपॉड की क्वालिटी है वह थोड़ा सा मुझे लूज लगी, बट इस बजट सेगमेंट में यह ट्राइपॉड आता है, तो अगर आप टेबल पर रखकर कोई शॉट लेना चाहते हैं तो इस ट्राइपॉड को यूज़ कर सकते हैं। यह एक एडजस्टेबल ट्राइपॉड भी है, जिसमें आप इसकी हाइट को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास आती है यह वाटर लाइट्स। तो यह भी एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, अगर आप बॉटल्स के अंदर लाइटिंग को डालना चाहते हैं तो फिर आप इस लाइटिंग को परचेज कर सकते हैं। सेल के द्वारा इसे ऑपरेट किया जाता है, तो यहाँ पर कोई भी बायर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और फेस्टिवल में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है। तो अगर आप अपने बैकग्राउंड में एक लाइटिंग इफेक्ट जनरेट करना चाहते हैं तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वह आता है यह टायर लाइट, जिसे आप अपनी 2-व्हीलर या कार में भी यूज़ कर सकते हैं। इस टायर लाइट को सेल के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, यहाँ पर ऑलरेडी सेल इंसर्ट है। जब आपका टायर रोटेशन में आता है तो एक नियॉन इफेक्ट दिखाई देता है, तो यहाँ पर आप चाहें तो आप इसे भी परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट है वह है एक चार्जिंग लाइटर, जहाँ पर पहला इंटरफेस आपको मिल जाता है USB, जिसके माध्यम से आप इस लाइटर को चार्ज कर सकते हैं, और कुछ इस तरह से यह लाइटर ऑन होता है। तो अगर आप चाहें इस लाइटर को यूज़ करना तो इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। Amazon और Flipkart पर बेस्ट सेलर है और बहुत ही ज़्यादा आज की डेट में यह सेल हो रहा है। नेक्स्ट और लास्ट यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट आता है वह आता है ये एक मिनी स्पीकर। यह ऑक्स स्पीकर है, यहाँ पर ना कोई ब्लूटूथ है और ना ही कोई फीचर्स है। यह एक सिंपल स्पीकर है, जिसे आप अपने मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट करके ऑन कर सकते हैं। ऊपर साइड यहाँ पर आपको एक स्टैंड भी देखने मिलता है, तो यहाँ पर आप अपने स्मार्टफोन को रख भी सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। चैनल पर न्यू है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए #साइबर बाबा।